तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि आज मैं जो पेपर बताऊंगा ना बिल्कुल नंबरों की बोछार कर देगा। यही प्रश्न पत्र आपको सुबह एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषयकालिक संश्लेषण करता है? इतिहास। बरखान का निर्माण किस कारक के द्वारा होता है? पवन के द्वारा। पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? उपसौल। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? कोसी नदी को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनंद शामिल नहीं है? सिंधु। ये आप देख सकते हैं, अगला यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ये 4, 5, 6 से है। चलिए इसके बाद में भू आकृति विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। प्रशांत महासागर पर सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है। आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है। विश्व संरक्षण समिति का जो उद्देश्य है ना, वो जैव विविधता को सुरक्षित रखना है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। वायुमंडल की क्षणिक दशाओं को मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसम। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे, बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। ये हो गया, ये रहेगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला। अब है जोड़ी, पहला जो है संवहन धारा सिद्धांत, आर्थर होम्स। पृथ्वी पर महासागरों की जो उत्पत्ति है हुआ जाएगा 400 करोड़ वर्ष पूर्व। वृहत ज्वार पूर्णिमा तथा अमावस्या। गांधी सागर बांध का जगह चंबल नदी, और गर्मी की लहर लू इसका जाएगा उत्तर प्रदेश। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से। अब है एक वाक्य में उत्तर, भूगोल में प्रादेशिक उपगम का विकास किसने किया? कार्ल लीटर ने किया था। और प्रकाश वर्ष किसका मापन है? अंतरिक्ष में दूरी का। गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन को हम लू किस क्रिया का परिणाम है? अभिभावन। और यहाँ से आ जाएगा जैव प्रवाह। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 आपका। सुनामी आने से का प्रमुख कारण भूकंप है? बिल्कुल सत्य सत्य आप कंप्लीट कर सकते हैं ना, हमारे बच्चों के लिए पहले से कंप्लीट कर रखा है ये। भूगोल विषय का महत्व बताना है आपको। मानव भूगोल जिज्ञासा तुष्टि कीजिए, भूगोल मानव है ना। इसके बाद में आपका जाएगा ये, भू विक्षेपी पवने क्या है? निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है? हॉट स्पॉट से आप लक्षद्वीप की विशेषताएं बतानी है। यदि एक व्यक्ति कोई लक्षद्वीप को जाना है और वहाँ कौन से तटीय मैदान से होकर जाएगा? आपदा क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है? डेल्टा किसे कहते हैं? भारत में अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्रों के नाम बताने हैं। तापमान का व्युत्क्रम को समझाना है। महासागर की लवणता को प्रभावित कर लिए, ठीक है। ज्वार भाटा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा। उष्ण कटिबंधी तूफान की उत्पत्ति के लिए कौन सी परिस्थितियाँ अनुकूल है? हिमालय में भूस्खलन क्यों आते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका जाएगा भूकंप किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है? प्लेट विवर्त की का सिद्धांत लिखना है। पटल निरूपण हो जाएगा यह ना। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिझरण क्षेत्र क्या है? एक रेखाचित्र बनाइए। भारत के वनों के 4 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ बताइएगा। अपना सॉल्यूशन है, हो गया कि 2 शाखाओं के नाम, भूगोल विषय के क्या है महत्व लिखना है अपने को। और इसके बाद में तो देखिए यहाँ पर छोटी सी गलती कर दी बच्चों ने, क्या कह रहे हैं 6ठा प्रश्न जो है ना, इनकी जगह पर ये 2 दूसरे पीडीएफ में ऐड कर दी। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये 2 क्वेश्चन आप कर लेना ये कंप्लीट, महत्व वाला, ठीक है। ये महत्व वाला, ये उद्देश्य वाला ही था, वो काट दिया उन्होंने यहाँ से ना। चलो ये भी करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अब यहाँ से अपना प्रश्न 7वां जो है वो सही रहेगा, है ना। देखो भू विक्षेपी पवने क्या है, यहाँ से देखना अब बिल्कुल, अब यहाँ से बिल्कुल सोल्यूशन सही है। मैंने मिलान कर लिया पहले, तो क्या बच्चों ने थोड़ा सा पीडीएफ बनाई, जब थोड़ी सी गड़बड़ हो गई उसके लिए आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 का 8वां रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखो, ये है ना क्वेश्चन नंबर ये 9 है, ये जो लिखा नहीं, भारत के पूर्वी तट पर किन्हीं दो तटों को नाम को जाना जाता है, कोरामंडल और उत्तरी सरकार तट। ये लक्षद्वीप की विशेषता है, 90 के अथवा में है आपके। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 रहेगा, यहां से देखना है आपको। ये 10 का अथवा है, आपदा क्या है, आपदा के प्रकार हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, पश्चिमी तटीय मैदान पर कहीं डेल्टा हो, कोई डेल्टा क्यों नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा है, ये देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 देखना है, भारत में अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्रों के नाम बताइए। ये 12 का अथवा है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा है, यहां से। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखो आप, ये यहां पर है क्वेश्चन नंबर 14, ये ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा है, ठीक है भाइयों। इसके बाद में यहां से ये क्वेश्चन 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में ये 15 का अथवा है, ये है ना। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो, उसने कटिबंधी तूफान की उत्पत्ति, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, भरोसा रखो, देखो धैर्य धरना पड़ेगा और भरोसा रखना पड़ेगा, है ना भैया। आप पहली बार इलेवेंथ में, मैं हर साल ही पढ़ाता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। अब आगे आपकी मर्जी है, भरोसा हो तो कर लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि ये रियल है, देखिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, देखिए 2020 में आया था, रिपीट होने के चांस रहेंगे, अब ऐसी चीज़ें बता रहे हैं अपन तो, ठीक है भैया। आप पहली बार हो, टेंथ क्लास को पास कर चुके, तो मतलब इतना इलेवंथ में सासा मत करो, टेंशन बिल्कुल भी किसी चीज़ का, है ना। ये देखो हो गया, इतना पढ़ लो आप तो, ध्यान से पढ़ो, है ना। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा, ये 18 का अथवा रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 19, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है, ये 19 का अथवा है। ये 19 का अथवा हो गया, ये थोड़ा सा पॉइंट इसमें रहेगा, तीसरे चौथे पॉइंट है।